नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डीडवाना जिले के मोलासर कस्बे में पुलिस को सूचना मिली कि एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर मोलासर थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार धनकोली रोड स्थित पकोड़ा तालाब के पास की घटना है, जहां तालाब में बुजुर्ग के डूबने की जानकारी मिली। तालाब किनारे इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर, चप्पल, लाइटर, गमछा आदि मिले थे। इस पर बुजुर्ग के तालाब में डूबने से मौत हो जाने की आशंका हुई। तब ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन तालाब में बुजुर्ग का पता नहीं लग पाया। वहीं आखिरकार नागौर की SDRF टीम को बुलाया गया और टीम करीब 2 बजे मौका स्थल पर पहुंची। टीम के गोताखोरों के द्वारा 2 घंटे की खोजबीन के बाद बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मदनलाल साहू, उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई। फिलहाल शव को मोलासर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।